नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन फल मंडी में हैं। सोलन फल मंडी में सेब की आपूर्ति लगातार हो रही है और सेब के दामों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। तो सेब के साथ साथ अब कीवी भी सोलन फल मंडी में आनी शुरू हो गई और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सोलन फल मंडी में पहुंची हुई कीवी। और यह कीवी का उत्पादन कहीं प्रदेश के दूसरे राज्य में नहीं बल्कि सोलन के आसपास के क्षेत्रों में ही हुआ है। कायलर से एक कीवी जो सोलन से करीब 2-3 किलोमीटर दूर है, वहां से एक कीवी सोलन फल मंडी में पहुंची है और 260 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यह कीवी आज बिकी है। और कीवी का उत्पादन जिस किसान ने किया है वो किसी परिचय के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम है खेती के लिए, खेती बाड़ी के लिए, खेती के उत्पादन के लिए और जो फलों के उत्पादन के लिए उन्हें जाना जाता है। अभी तक 6 राष्ट्रीय अवार्डों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और तस्वीरें आप सोलन फल मंडी की देख रहे हैं। और किसान बहादुर सिंह वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहादुर सिंह वर्मा जी को अभी तक खेती बाड़ी के लिए 6 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और सबसे पहले कीवी का उत्पादन जब नौणी विश्वविद्यालय में ने कीवी का उत्पादन करना शुरू किया था, जब किसानों को इसके प्रति जागरूक किया था, वर्ष 1988 का वर्ष था जब हिमाचल प्रदेश में विशेषकर सोलन में कीवी का उत्पादन शुरू हुआ था, तो सबसे पहले बहादुर सिंह वर्मा जी ने कीवी का उत्पादन करना शुरू किया था और तब से लेकर अब तक वो कीवी का उत्पादन के साथ साथ बल्कि फलों में बात करें तो पलम, खुमानी आदि फसलों का ये इस वक्त पैदावार, उनके वहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, इनका बगीचा तैयार हो चुका है और तो बड़ी वर्षों से इस खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सोलन फल मंडी में कीवी लेकर आए हुए हैं, 260 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कीवी बिकी है। एक समय ऐसा होता था कि जब कीवी का उत्पादन था सोलन ही नहीं बल्कि प्रदेश में काफ़ी कम होता था। हाँ जी, सबसे पहले जब शुरू इसका काम हुआ 1988 में, तो मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी और लोग भी जागरूक नहीं थे। तो मैंने शुरू इस तरह से किया कि लोगों को इसका स्वाद बताया, क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू तो मैं बता नहीं पाता था। तो आस्ते आस्ते ऐसा हुआ कि मैंने फ्री में बांटना शुरू किया लोगों को। अच्छा, जब मार्केट में थोड़ी सी मार्केट बनी तो कोई कहने लगा कि 400 रुपये किलो ले लो मार्केट। तो हमने कहा भी अगर हमारे ये जानवर भी खाएंगे, हमारी गाय भैंस खाएगी और उससे दूध जो निकलेगा वो हमारे को ही वापस मिलता है, तो वो भी हमें इतने कम कीमत में नहीं देते। तो सबसे पहले 100 रुपये मुश्किल से 1 किलो का हमें मिला जब इतना परिश्रम करने के बाद। और आज ये किसी में के हम देख रहे हैं सर, क्योंकि आपका तो खेती बाड़ी से लंबा अनुभव है, आप फलों का उत्पादन ही नहीं बल्कि टमाटर और दूसरे उत्पादनों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कीवी का उत्पादन है एक बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि कीवी के प्रति भी अब किसान थोड़े जागरूक हो रहे हैं। तो जब शुरुआत की थी तो कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती तो थी जो आपको बताया मैंने, भाई इसको कोई पूछता नहीं था क्योंकि यहाँ के लिए ये एक नया फील्ड था। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब लोगों को जागरूक किया किसी तरह से और अखबारों में और सब चीज़ों में हमने निकाला, रेडियो पे कुछ बोलना और डॉक्टर लोगों से भी अपील की कि इसके जो गुण हैं वो लोगों तक पहुँचाए जाएँ ताकि वो ये लोकप्रिय हो सके। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब मार्केट बन गई और बनते बनते आज यहाँ पहुँचे। पहले जब आपने शुरुआत की होगी, क्योंकि उस वक्त मंडियाँ भी बड़ी कम होती होगी, और क्योंकि अब सेब मंडी है तो सेब मंडी में आज आपकी कीवी भी बिक रही है, एक वक्त ऐसा भी होता होगा सेब मंडी में सेब जरूर बिक रहे होंगे लेकिन कीवी के खरीदार नहीं होते होंगे, तो उस स्थिति में आप कहाँ बेचते थे? अभी ये सेब मंडी खुलने से एक फ़ायदा हो गया है कि अगर मान लो किसी के पास थोड़ी सी कीवी है तो उसको वो बड़ी मार्केट में नहीं भेज सकते, तो यहाँ मंडी में लाते हैं लोग और यहाँ के जो ये खरीदार हैं उसको खरीदते हैं और सेब के साथ पूरे देश में बेचते हैं, जिससे हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा है। जो कीवी की पैकिंग है सर, जो हम देख रहे हैं कि कीवी का बॉक्स है, ये काफ़ी महंगा है, तो पैकिंग और कीवी के ऊपर मतलब यहाँ मंडी तक पहुँचाने में कितना की खर्च आता होगा?
खर्च तो 20 रुपये डब्बा तो वैसे ही हमारा घर में खर्च है। अच्छा। फिर इसको लाने में मतलब यहाँ तक पैसा लगता है तो काफ़ी खर्च हो जाता है, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन दाम भी अच्छा मिल रहा है। ऐसी 260 रुपये दाम मिला है तो क्या लग रहा है कि ठीक है कि और मिलना चाहिए था ज़्यादा? नहीं, ये जिस तरह से हमारा फ्रूट है कीवी फ्रूट तो उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कभी हमारे कुछ पेड़ों में छोटा फल होता है तो इतना अच्छा दाम नहीं मिलता, लेकिन ऐसा भी फल मिलेगा कि 200 ग्राम तक एक फल का वजन होगा और उसकी कीमत उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे कीवी है, कीवी के अलावा आपने जो आपका बगीचा है वो कौन कौन से वहाँ पर फल लगे हैं? हमारे यहाँ खुरमानी, प्लम, आड़ू तो बहुत कम होता है और ये कीवी, ये तीन चीज़ें होती है। प्लम में मुझे 1963 में मतलब एक प्राइज मिला था ऑल इंडिया हिल फ्रूट शो, और ये शिमला में शो लगा था और ICAR का वो 1963 में 1963 में 1963 से आप लगातार अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड जीत रहे। उसके बाद तो मतलब उसके बाद कौन कौन से अवार्ड आपको मिले, क्योंकि आपने बताया भी है कि 6 राष्ट्रीय अवार्ड आपको मिले हैं। पहले मुझे 1963 में मुझे मिला था ऑल इंडिया हिल फ्रूट शो में फलों में, प्लम में। ठीक है जी। और उसके बाद 2000 सन 2000 के आसपास से आगे तक चौधरी चरण सिंह अवार्ड, SPLM पटेल अवार्ड, जगजीवन राम पुरस्कार और इस तरह से कई प्राइज हैं जो मुझे अब याद भी नहीं है। अच्छा जी। नहीं तो जो आपका अवार्ड मिले हैं, पहला तो आपको पनम के लिए मिला है, बाकी अवार्ड सारे कीवी के उत्पादन के लिए मिले कि खेती बाड़ी? तो मुझे अभी तक कुछ नहीं। अच्छा जी, तो किसके लिए मिले? तो खेती बाड़ी के लिए। खेती बाड़ी में हर चीज़ हम पैदा करते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हम। आपका मतलब जो पेशा है वो खेती है? हाँ जी, शुरू से। क्योंकि आपका लंबा अनुभव है खेती बाड़ी से, और हम देख रहे हैं कि बीच में कभी टमाटर के दामों में उछाल आ रहा है, कभी डाउन जो दाम है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और कई बार हम देख रहे हैं कि जो बाकी सब्जियों के दाम है उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है, फिर गिरावट मिल रही है। जो युवा है, युवा खेती से थोड़ा दूर होता जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि टमाटर के जैसे दाम बढ़े थे बाद में कम हो गए हैं, तो आपका क्या संदेश है युवाओं से, क्योंकि विशेषकर युवाओं को लेकर क्योंकि नशे की तरफ भी जा रहे हैं, किस तरह से खेती की तरफ मुड़े हैं? युवाओं से तो संदेश दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं, पर उससे पहले मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, हमेशा पहले से भी करता आया हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं कि इस टमाटर या जो ये सब्जियाँ हमारी ओवर मतलब जो पक जाती हैं या मार्केट तक नहीं पहुँचती, तो उसके लिए कोई फैक्ट्री कोई ऐसी लगाई जाए, प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ जी। अच्छा, तो वो लगना चाहिए ताकि यहाँ जो जितना भी फल उत्पादन होता है इस एरिया में उसकी खपत वहाँ हो सकती है और लोगों को फायदा होता है। जब वो फायदा होगा तो हमारे किसान भाइयों को ये संदेश रहेगा कि खेती बाड़ी करें, और यहाँ की जैसे सोलन के आसपास की ज़मीनें बिक रही हैं वो उसको ना बेचें और भूमिहीन ना हो जाए। इसमें जिम्मेदारा करने में एक साल अगर कोई चीज़ नहीं मिलती, कम रेट मिलते हैं, तो दूसरे साल में डबल भी मिल सकते हैं, ये सोच कर चलें और इस खेती बाड़ी को ना छोड़ें, और थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख के खेती बाड़ी की तरफ आए तो इसका ज़्यादा फायदा उठा सकें। और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश बहादुर सिंह जी ने लोगों को, सोलन के विशेषकर सोलन के लोगों को दिया है कि ज़मीनें ना बेचें, खेती बाड़ी से अपने जीवन का निर्वाहन करें। ऐसा नहीं है कि एक साल अगर आपको दाम नहीं मिलते हैं, दिल छोटा मत करें, उससे निराश मत हो, अगले साल आपको डबल दाम भी मिल सकते हैं। जिस तरह से हमने इस बार टमाटर में देखा, 2 वर्ष तक किसानों को टमाटर के अच्छे दाम नहीं मिले, लेकिन इस बार छप्पर फाड़ कर टमाटर के दाम मिले थे। तो इस तरह का है, अगर आप ज़मीनें जो है लगातार बेचते रहेंगे तो उससे भूमिहीन भी हो सकते हैं। इस तरह का संदेश बहादुर सिंह वर्मा जी ने दिया है, जो अभी तक खेती के लिए 6 राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुके हैं, और उन्होंने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में उन किसानों में शुमार है जिन्होंने सबसे पहले कीवी का उत्पादन सोलन में किया था वर्ष 1988 में, और वर्ष 1988 में कीवी का उत्पादन करना इतना आसान नहीं था, उस वक्त जो चुनौती थी वो बहुत बड़ी थी,
सबसे बड़ी चुनौती थी मार्केटिंग की। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले मार्केटिंग के लिए मुफ्त में खीवी आसपास के लोगों को बांटी, उसके जो औषधीय गुण है उसके बारे में लोगों को समझाया। जब धीरे धीरे मार्केट बढ़नी शुरू हुई तो अब लोगों ने भी कीवी का उत्पादन करना शुरू कर दिया है और हम देख रहे हैं कि लगातार सोलन फल मंडी में कीवी की लगातार आपूर्ति पिछले कई दिनों से जारी है और बहुत सारे किसान अब कीवी से जुड़ गए हैं। जहां पर सेब का उत्पादन नहीं हो सकता वहां पर किसानों ने अब कीवी का उत्पादन करना शुरू कर दिया है और अपनी आर्थिकी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए सर सभी दर्शकों का स्वागत और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत